Friends, subscribe the Ask Technology channel and hit the bell icon to get all new updates about Ask Technology's informative videos. हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडिटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के बारे में। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारी उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से लीन टूल्स यूज़ होते हैं, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आई फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को या फिर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को, और मैक्सिमाइज करते हैं हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को। मतलब कि जो भी हमारे वेस्टेज हैं, जो हमारी प्रोसेस में वेस्ट हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एलिमिनेट करते हैं, ताकि जो हमारी प्रोसेस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए, उसका जो लीड टाइम है वो कम हो जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और जो हमारी प्रोसेस है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ लीन टूल्स की मदद लेनी पड़ती है। तो जो हमारे मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट लीन टूल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5S है, काइजन, एंडोन, जिट, कंटिन्यूस फ्लो, SMED, स्टैंडर्ड वर्क, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, गैम्बा, हिजुंका, कानबान, होसिन कानरी, जिसे कि हम पॉलिसी डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं, जिडोका एंड 6 Big Losses। तो इन सभी लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं 5S के बारे में। तो 5S एक मोस्ट कॉमन लीन टूल है। अब ये लीन टूल की तरह कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैसे मैं 5S पे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, अगर आप 5S के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारे यूज़फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5S क्या होता है? 5S एक हाउसकीपिंग टेक्निक होती है, या फिर एक वर्क प्लेस मैनेजमेंट मेथडोलॉजी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्क प्लेस को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, जैसे कि हम घर में रख रखाव रखते हैं चीज़ों का, हमें हर चीज़ समय पर अपनी जगह पर मिल जाती है, जैसे हम घर में रखते हैं अपना सिस्टम बना के, उसी तरह से हम अपने वर्क प्लेस को मैनेज करते हैं। इसमें कि 5 जैपनीज वर्ड आते हैं, जैसे हो गया हमारा सेरी, सेटोन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके, ये कहलाते हैं हमारे 5S। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और 5S को मेंटेन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें हो जाता है सेरी का मतलब सॉर्टिंग, उसके बाद सेटन का मतलब सेट इन ऑर्डर, उसके बाद सीसो का मतलब शाइन, उसके बाद सिकेत्सु का मतलब स्टैंडर्डाइज, उसके बाद सस्टेन। मतलब कि सबसे पहले स्टेप में हम सॉर्टिंग करते हैं, जो डिज़ायरेबल चीज़ें और अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं उन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें ऑर्डर में लगा लेते हैं, उसके बाद हम साफ़ सफाई करते हैं उन सब चीज़ों की, उसके बाद हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं प्रोसेस को, मतलब किसी भी प्रोसेस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बना देते हैं, या फिर कोई भी रखने की जगह है किसी चीज़ की, या फिर उसको यूज़ कैसे करना है उस चीज़ का हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, ताकि सभी लोग उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें। उसके बाद जो जितने भी एस हमने ऊपर किए हैं, इन सभी को सस्टेन करके रखते हैं, ताकि जो हमारा 5S है वो फ्लोर पे मेंटेन रहे। तो इस तरह से हम अपने वर्क प्लेस पे 5S को मेंटेन कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें 5S की, तो 5S की बहुत सी एडवांटेज होती है, जैसे कि इससे हमारा टाइम सेव होता है, हमें हर चीज़ अपनी जगह पे मिल जाती है, सही समय पर मिल जाती है, तो समय हमारा बचता है, इसमें ढूंढना नहीं पड़ता हमें, क्विक रिट्रैवल मतलब वही जल्दी प्राप्त हो जाती है हमें हर चीज़, एक्सीडेंट्स और मिस्टेक मिनिमाइज हो जाती है, जब हम अपने प्लेस को साफ़ सुथरा रखेंगे, हर चीज़ अपनी जगह पे होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, और इंक्रीज़ हो जाता है हमारा स्पेस हमें काफ़ी मिल जाता है, और क्रिएट वर्क प्लेस ओनरशिप, मतलब कि हर बंदा अपनी जिम्मेवारी समझता है और वो समझता है कि हमें 5S को मेंटेन रखना है और अपने वर्क प्लेस को मैनेज करना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे
बिफोर 5S दिखा रखा है कि कैसे सब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है, कुछ भी सिस्टमाइज नहीं है। और आफ्टर 5S हम देख रहे हैं तो हर चीज़ की एक जगह निर्धारित कर दी गई है और हर चीज़ अपनी जगह पे है। येलो लाइन भी मार्किंग कर दी हमने और सब कुछ साफ सुथरा है। तो इस तरह से 5S के बाद कितना अच्छा लग रहा हमारा वर्क प्लेस। इसके बाद बात करते हैं काइजन के बारे में। तो काइजन भी एक मोस्ट कॉमन टर्म है, ये भी एक लीन टूल की तरह हम यूज़ करते हैं। काइजन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, काइजन क्या होता है? काइजन एक जैपनीज़ वर्ड होता है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, काई एंड जेन, जिसमें काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड और बेटर, जिसका मतलब हो जाता है चेंज फॉर बेटर, मतलब कि हम कुछ ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे कि हमारे प्रोसेस में बेटरमेंट हो रही है, मतलब कि जो हमारा सिस्टम हो रहा है वो और ज़्यादा बेहतर बन रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, काइजन का एक एग्जांपल है। पहले जो बंदा था वो अपनी पीठ पे लाद के सामान को ले जाता था तो बहुत दिक्कत होती थी उसे और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो हमने उसमें क्या सुधार किया, हमने एक ट्रॉली बना दी और वो आराम से उस चीज़ को ले जा रहा है। तो काइजन की भी काफ़ी एडवांटेज होती हैं, हम इसमें छोटे छोटे सुधार करते हैं, कुछ भी हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से हम अच्छे अच्छे सुधार कर सकते। तो काइजन कैसे एडवांटेजियस होता है हमारे लिए, कैसे वो एक लीन टूल की तरह हमारी मदद करता है, इससे हमें क्या मिलता है? ये रिड्यूस करता है हमारे वेस्टेज को, जैसे कि वेटिंग टाइम जो होता है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमने कोई ट्रॉली लगा दी, जब हम पहले उठा के ले जा रहे थे चीज़, अब हम ट्रॉली में ले जा रहे हैं तो उसे जल्दी ले जा सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में जो वेस्ट होता है हमारा उससे वो कम हो जाएगा। वर्कर का जो मोशन है वो हम कम कर सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन जो होती है हमारी उसे हम कम कर सकते हैं काइजन से। एक्सेस इन्वेंट्री जो हो जाती है उसे हम कम कर सकते हैं। काइजन जो होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, हमारे कैपिटल के यूज़ को इम्प्रूव करता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो काइजन में ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं और प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाते जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एंडॉन के बारे में। तो एंडॉन क्या होता है? एंडॉन एक विजुअल फीडबैक सिस्टम होता है हमारे शॉप फ्लोर के लिए, जो कि हमें इंडिकेट करता है प्रोडक्शन के स्टेटस को, या फिर हमें अलर्ट करता है जब लाइन पे कोई प्रॉब्लम होती है, जब वहाँ पे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और एम्पावर करता है हमारे ऑपरेटर्स को कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है प्रोडक्शन में तो प्रोसेस को वो रोक दें और हमें इन्फॉर्म कर दें, या फिर हमें पता लग जाए देखने से ही। जैसे कि आप ये विजुअल कंट्रोल एंडॉन लाइट देख सकते हैं, इसमें रेड का मतलब होगा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, हमें अटेंड करना चाहिए उस प्रॉब्लम को। इसमें मशीन्स पे आपने ये लाइट्स देखी होंगी। ग्रीन का मतलब कि प्रोसेस हमारा एकदम ओके चल रहा है। अब एंडॉन की एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी एडवांटेज मिलती हैं। ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल की तरह हेल्प करता है हमारी शॉप फ्लोर पे। हमें तुरंत पता लग जाता है कि कौन सी लाइन पे क्या चल रहा है, वो टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर वहाँ पे लाइन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं JIT, जस्ट इन टाइम, जैसे कि हम JIT बोलते हैं। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम एक बहुत कॉमन लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है और बहुत इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है। ये एक पुल सिस्टम होता है जिसमें हम कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग इंस्टेंटली उसे रिप्लाई करते हैं और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि जस्ट इन टाइम में हम बहुत सारे लीन टूल्स की हेल्प लेते हैं। जस्ट इन टाइम तभी हमारा फॉलो हो सकता है जब हम कंटिन्यूस फ्लो को यूज़ करेंगे, हिजुका का यूज़ करेंगे, कानबान होगा वहाँ पे, या फिर स्टैंडर्डाइज वर्क भी होगा। ये सारे जो हमारे लीन टूल्स हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है, कस्टमर ने जैसे कोई ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद मैनेजर ने चेक किया कि हमारे पास मटेरियल है या नहीं है, नहीं है तो हमने सप्लायर को कॉल किया, रॉ मटेरियल मंगाया, तुरंत उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद तुरंत उसे फिर हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। मतलब कि जस्ट इन टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे ही कस्टमर हमें डिमांड देता है उस डिमांड पे हम क्विकली काम करते हैं। तो जस्ट इन टाइम की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं उनकी बात करते हैं। तो हाईली इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल, मतलब कि जो हमारा इन्वेंट्री लेवल होता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है अगर हम जस्ट इन टाइम का यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि अगर हमने पहले से ही बना रखी हैं और अपना मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, बना हुए कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है पर हम बना बना के रखते जा रहे हैं, उससे क्या होता है हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाता है उसके रख रखाव में। तो जो वो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बच जाते हैं, हमारी इन्वेंट्री लेवल कंट्रोल में आ जाती है, इम्प्रूव कैश फ्लो एंड रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेंट्री एक्सेस नहीं होती है तो स्पेस भी हमारा बचता है। जस्ट इन टाइम में हमारे क्या क्या टारगेट्स होते हैं कि मतलब जो हमारी इन्वेंट्री लेवल है उसे हमें कम से कम करना है, जीरो की तरफ करना है। जो हमारा लीड टाइम है वो हमें कम करना है क्योंकि हम क्विक रिस्पॉन्स देंगे कस्टमर की डिमांड का, और जो डिले भी नहीं होना चाहिए, हम टाइम पे उसे डिलीवर भी करेंगे कस्टमर को, और जीरो उसमें फेलियर्स होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस फ्लो के बारे में कि कंटिन्यूस फ्लो क्या होता है। जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें कोई भी हर्डल्स नहीं मिलते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं होते हैं, स्मूथली हमारा प्रोडक्शन चलता है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बैचेस में जब हम जब बनाते हैं प्रोडक्ट को, तो एक बंदा बना लेता है, फिर उसे इकट्ठा करता है, फिर इकट्ठा करके उसे अगली प्रोसेस पर भेजता है, फिर वो बनाता है, वो इकट्ठा करता है, फिर उसे वो अगली प्रोसेस पर भेजता है, जब जाके वो हमारा मटेरियल रेडी होता है। बट कंटिन्यूस फ्लो में हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं सिंगल, और उसमें सिंगल पार्ट फ्लो होता है कंटिन्यूसली। एक पार्ट बनाया, जैसे ए ने बनाया, फिर बी को दे दिया, फिर बी ने बनाया, फिर सी को दे दिया। इससे हमारा जो लीड टाइम होता है वो कम हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो कंटिन्यूस फ्लो के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, ये एलिमिनेट करता है हमारे वेस्टेज को, जैसे कि हमारी इन्वेंट्री, जो हमारा इन्वेंट्री हो जाती है, हमारी एक्सेस इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो होती है, इधर उधर रखना पड़ता है माल बना बना के बैचेज में, वो हमारा कम हो जाता है। वेटिंग टाइम कम हो जाता है क्योंकि हमें वेट नहीं करना पड़ता अगली प्रोसेस में काम करने के लिए, तुरंत हमने एक लाइन बना रखी है तो हमारा स्मूथ फ्लो चलता है उसमें, और ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा कम हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ए बी सी जो हमने है वो एक लाइन बना दी, और वहाँ पे सिंगल पीस फ्लो चल रहा है और कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस का चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं एस एम ई डी, जिसे हम बोलते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें 1 मिनट में ही डाई चेंज करनी है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम रिड्यूस करते हैं जो अपना सेटअप टाइम होता है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि लेस देन हम 10 मिनट में डाई को चेंज कर लें। तो उसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, तो जब किसी लाइन पे कोई प्रोडक्ट चल रहा होता है, जब हमें चेंज ओवर करना होता है, मॉडल को चेंज करना होता है, तो उसमें कुछ हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि जो बिना लाइन रोके भी की जा सकती हैं, उन्हें हम पहले ही करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल एक्टिविटीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे कि हमने सब कुछ एक्सटर्नल डाई वगैरह लेके आ गए, सेटअप कर लिया, उसमें टूल वगैरह पंच वगैरह सब सेट कर दिया, उसके बाद हमें सिर्फ वो बेड पे लगाना है मशीन के, तो वो क्विकली हम कैसे लगा सकते हैं, वो हमारी होगी इंटरनल एक्टिविटी। तो इंटरनल सेटअप को हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड्स लगा दिए रिप्लेसमेंट के लिए, नॉब्स लगा दी, लीवर्स लगा दिए, ताकि क्विकली हम डाई को फिक्स कर सकें मशीन में। और इसमें हम एलिमिनेट करते हैं नॉन असेंशियल ऑपरेशंस को, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और एक स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि हमें एस एम ई डी स्मैड के अकॉर्डिंग तुरंत हमें डाई चेंज करनी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें जो होता है हम स्मॉलर लॉट्स में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी स्मॉलर लॉट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम चेंज ओवर में टाइम अपना ज़ाया नहीं करते ज़्यादा, और तुरंत हम मॉडल को चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, हमारे इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार टूल चेंज करेंगे फिर बेकार में ये दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी बना लो, तो इन्वेंट्री लेवल हमारा काफ़ी हाई हो जाता है। तो जब हमारा टाइम वेस्ट ही नहीं होता चेंज ओवर में, तो हम इजीली अपने प्रोडक्ट को बदल सकते हैं और इन्वेंट्री लेवल को कम कर सकते हैं, और कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस को भी हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर कोई दूसरा मॉडल मांग लेता है सडनली, तो जिट के अकॉर्डिंग जैसे कि स्मैड का भी हम यूज़ करेंगे, उसमें जब हम सिंगल मिनट में अपनी डाई को चेंज कर रहे हैं, तो हम कस्टमर की डिमांड को तुरंत पूरा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं। तो एस एम ई डी में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो टूल एंड डाई लेके आएंगे वो लाइन के पास में रखी होनी चाहिए, और जो
वो हमें निकालनी है टूल एंड डाई, उसमें ग्रीसिंग वगैरह करनी है, जो एक्सटर्नल वर्क है उसमें वो हम उसमें पहले ही कर लें। तो पहले उनका सेट बनाते हैं कि सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हम पहले कर लें, उसके बाद बाकी की सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ करें। तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ उस टाइम में हो जाएंगी जब मशीन रन कर रही होगी पुराने प्रोडक्ट पे ही, और तुरंत उसे बंद करके फिर हम इंटरनल एक्टिविटीज़ मतलब कि जो उसे फिटमेंट करना है हमें मशीन में वो करेंगे। तो जैसे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को अलग अलग कर लिया, उसके बाद जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, उन्हें भी हम एक्सटर्नल बनाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भी हम बाहर ही कर लें जितना हो सके। तो उसमें हम फिर और ज़्यादा एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं ताकि मशीन चलती रहे, लाइन हमारी ना रुके, और हम इंटरनल एक्टिविटीज़ बाद में करें। और फिर जो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो हमारे इंटरनल एक्टिविटीज़ में ऐसी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप एंड में डी में देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हमारी और इंटरनल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई। इससे जल्दी से जल्दी हम डाई को चेंज कर सकते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड वर्क के बारे में कि स्टैंडर्ड वर्क क्या होता है। एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हम बना देते हैं किसी भी काम को करने के लिए कि जो ये काम है ये हम इसी तरीके से करेंगे, और एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि सभी लोग इसी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और इन्हीं को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बना दिया, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन बना दी, एसओपी बना दी, और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद हम पीडीसीए का यूज़ करते हैं और प्रोसेस को एनालाइज़ करते हैं कि प्रोसीजर को और ज़्यादा कैसे इजी बनाया जा सके, कैसे हम साइकिल टाइम को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे हम परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर इसकी एडवांटेजेस की बात की जाए कि स्टैंडर्ड वर्क जो हम करते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है, जो हम कंसिस्टेंटली बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई वर्कर आया, उसने ज़्यादा माल निकाल दिया कम टाइम में, किसी ने कम निकाला, कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, उससे क्या होता है वर्क हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि अब हम बढ़िया निकाल देंगे, अब हम बढ़िया कर देंगे, ऐसा करके हम बढ़िया कर देंगे। मतलब कि कोई हमारे पास फिक्स प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एसओपी नहीं है कि इस तरह से हम काम करेंगे तभी हमारा बेहतर रिजल्ट हमको मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने से, एक स्टैंडर्डाइज करने से वर्क को हमें ये फ़ायदा मिलता है, उसमें हमें एक बेसलाइन मिल जाती है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जो भी वर्कर आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा और अपनी एफिशिएंसी 100% देगा। तो इस तरह से हम एक बेसलाइन बना लेते हैं और फ्यूचर में फिर से हम एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में, तो हमारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस है उसे हमने बढ़ाने की कोशिश करी, टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करी, तो हमने कुछ काइजन करे और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस बना दी कि इस तरीके से ही हमें काम करना है। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट पे आके एनालाइज़ किया दोबारा से, फिर देखा हम कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपनी प्रोसेस को, और फिर से हमने अपनी प्रोसेस में कुछ सुधार किए, और उसके बाद फिर से हमने उसे स्टैंडर्डाइज़ कर दिया कि सभी इसी तरीके से काम करेंगे। तो स्टैंडर्ड वर्क का प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं किसी भी वर्क को, तो कैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ मांग रहा है, कैसे हम प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। फिर हम एरिया को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ पे कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, फिर उसमें हम देखते हैं सीक्वेंस को कि कौन कौन से स्टेप्स में वो काम कर रहा है और कैसे ये काम और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं वेस्ट को कि क्या क्या इसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, किस चीज़ को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद फिर हम प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं कि इस तरीके से हमें काम करना है, फिर उसे हम अपडेट कर देते हैं एक प्रोसेस स्टैंडर्ड के रूप में, और सभी स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे देते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग दे देते हैं कि सभी को इसी तरीके से काम करना है। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीन टूल होता है हमारे लिए। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में क्या होता है, ये हमारा विजुअली मैप फ्लो दिखाता है हमारे प्रोडक्शन का। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा प्रेजेंट स्टेट वैल्यू स्ट्रीम मैप बनता है इसमें, और एक बनता है फ्यूचर स्टेट वैल्यू मैप। तो इसमें हमें ये दिखाता है कि प्रेजेंट में हम कहाँ पे हैं, जो हमारी प्रोसेस है सप्लायर से लेके जो हम प्रोसेस कर रहे हैं और कस्टमर तक जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं और उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और हैं हमारे लिए, कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, किन्हें हम सुधार सकते हैं, वो सब हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने
प्रेजेंट स्टेट वैल्यू स्ट्रीम मैप में, और फिर जो चीज़ें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं जहाँ जहाँ पे, उसे हम शो करते हैं अपने फ्यूचर स्टेट वैल्यू स्ट्रीम मैप पे, जिससे कि हमारी प्रोसेस और ज़्यादा बेहतर बने हैं। तो इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की, तो इसमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलती हैं हमें, ये जो हमारे वेस्टेज होते हैं जो करंट प्रोसेस में, उसे आइडेंटिफाई करता है, और जो हमारा फ्यूचर रोड मैप होता है उसे तैयार करता है कि कैसे कैसे हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है और फ्यूचर में कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक टीम बनाते हैं, जो कि टीम एक लीडर होता है उसमें जो उसे लीड करता है, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक करंट मैप बनाते हैं करंट स्टेट का, कि हम कहाँ पे हैं अभी, हमारी प्रोसेस कैसे कैसे चल रही है, कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोसेस में कि क्या क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान्स बनाते हैं कि इस जगह हम ये करेंगे, इससे हमारी प्रोसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उस तरीके से हम फ्यूचर स्टेट मैप बना लेते हैं, फ्यूचर स्टेट मैप बनाने के बाद फिर हम उसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि इस तरह से ही अब हम काम करेंगे, और हर 6 महीने या 3 महीने में हम अपने प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और कैसे हम उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैम्बा के बारे में। तो गैम्बा जो होता है हमारा द रियल प्लेस, ये एक बहुत अच्छा लीन टूल होता है। ये हमें क्या बताता है, ये एक फिलॉसफी है कि हम शॉप फ्लोर पे जाएं जहाँ पे रियल एक्शन हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे हम जाएं, कुछ टाइम हम बिताएं अपने वर्कर्स के साथ जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम प्रोसेस को सुधार सकते हैं, उनके व्यूज़ लें, और ये सब तभी पता लगेगा जब हम शॉप फ्लोर पे जाएंगे। इसीलिए गैम्बा को हम बोलते हैं द रियल प्लेस। तो गैम्बा में अक्सर गैम्बा मीटिंग्स होती हैं शॉप फ्लोर पर ही, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ, और उन्हें वहीं पे करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो एडवांटेजेस की अब हम बात कर रहे हैं गैम्बा की, तो बहुत सारी एडवांटेज होती हैं। इससे हमें क्या होता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि प्रोसेस में रियली में क्या चल रहा है, कैसे दिक्कतें वहाँ पे आ रही हैं और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। तो हम उससे, हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और जो वर्कर 24 घंटे काम करता है वहाँ पे मशीन्स पे, वो अच्छा बता सकता है अपनी प्रॉब्लम को कि क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ रही है। तो गैम्बा मीटिंग में हम उनसे बातचीत करते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हिजुंका के बारे में। तो हिजुंका क्या होता है, ये एक शेड्यूलिंग सिस्टम होता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हम कैसे शेड्यूल करें, मतलब कि जैसे हमें डिफरेंट टाइप के बैचेज में प्रोडक्ट बनाने हैं तो कैसे हम उन्हें बना सकते हैं, कैसे हम स्मॉल स्मॉल लॉट्स में उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो हिजुंका का, इस एग्जांपल से हमें और अच्छा समझ में आ जाएगा हिजुंका के बारे में कि कैसे हम शेड्यूलिंग करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर्स की जो डिमांड है पर वीक कि ए मॉडल हमारा है वो इतना चाहिए 5 पीस, जो बी मॉडल है वो 3 पीस चाहिए, जो सी मॉडल है वो 2 पीस चाहिए, और जो डी मॉडल है वो हमें 2 पीस चाहिए। तो अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मास प्रोड्यूसर हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइप का बना लेंगे ए, उसके बाद बी बना लेंगे एक टाइप का, उसके बाद सी बना लेंगे, उसके बाद डी बना लेंगे। बट इससे क्या होगा, जो हमारा डी है उसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि हम वो लास्ट में ले रहे हैं और हो सकता है हमारा कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, हम उसे डिलीवरी टाइम पे ना दे पाएँ इसके कारण। तो अगर हम लीन प्रोड्यूसर हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बैचेज में हमने ए बना लिया, फिर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो हम लीन टूल्स की हेल्प ले रहे हैं, तो हम उसमें जस्ट इन टाइम का भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम SMED का भी यूज़ कर रहे हैं, जिडोका का भी यूज़ कर रहे हैं, 5S काइजन, सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हमारी प्रोसेस और ज़्यादा बेहतर बन चुकी है। तो अब हम सिंगल मिनट में एक्सचेंज कर सकते हैं डाई को, हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले हम ए बना लेंगे, फिर हमने बी बना लिया, फिर सी बना लिया, फिर डी बना लिया, फिर से ए बना लिया, फिर बी बना लिया, फिर सी बना लिया, फिर डी बना लिया, फिर ए बना लिया, फिर हमने बी बना लिया। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं, और शेड्यूलिंग का ही एक तरीका होता है हिजुंका का। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं,
जो ये रिड्यूस करता है हमारे लीड टाइम को, क्योंकि जो हमारा लीड टाइम होता है, जैसे कि लास्ट प्रोडक्ट हमारा लास्ट में बन रहा है तो वो काफ़ी टाइम हो गया उसका, हमें ऑर्डर कब मिला और कब हम डिलीवरी करेंगे। तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे तो डिफरेंट वेरियंट्स हम बना सकते हैं, कंसिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली स्मॉलर बैचेस को, और जो हमारी इन्वेंट्री लेवल है वो भी हमारा कम होगा। जैसे कि बैच प्रोडक्शन का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम बैचेस में बना रहे हैं, लंबे लंबे बैचेस उसके चल रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल भी काफ़ी हमारा हाई हो रहा है, और फिर हम लेवल्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा हिजूम का हो गया। शेड्यूलिंग हमने इस तरह से कर दी कि हमारा इन्वेंट्री लेवल भी नहीं बढ़ रहा है और हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं और टाइम पर हम डिलीवर भी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो उसके बाद बात करते हैं कानबान के बारे में कि कानबान क्या होता है। तो कानबान क्या होता है, ये एक मेथड होता है रेगुलेट करने का फ्लो को, जो हमारा गुड्स होते हैं, जो हमारे आइटम्स होते हैं, उनके फ्लो को रेगुलेट करने के काम आता है, फैक्ट्री के अंदर भी और फैक्ट्री के आउटसाइड में भी। तो इसमें क्या होता है, हमें एक सिंगल कार्ड के थ्रू एक सिग्नल मिल जाता है ऑटोमेटिकली कि कौन से गुड्स की रिक्वायरमेंट हमें है इमिडिएटली। जैसे कि आप यहाँ पे कानबान बोर्ड देख सकते हैं कि इसमें रेड में काफ़ी सारे टैग्स लगा रखे हैं, वो टैग हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन सा हमें ऑर्डर करना है अभी। तो अगर हम कानवान की एडवांटेज की बात करें तो कैसे हमें उसमें एडवांटेज मिलती है, ये हमारे वेस्ट को एलिमिनेट करता है, इन्वेंट्री जो होती है हमारी उसको भी डाउन करता है, जो हमारी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है उसे भी डाउन करता है। जैसे कि विजुअल कंट्रोल सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेवल दिखा रखा है कि ग्रीन तक ही ये होना चाहिए, अगर वो येलो पे है इसका मतलब भरना चाहिए हमें, अगर वो रेड पे आ गया इसका मतलब ये क्रिटिकल हो गया। इसी तरीके से स्टोर्स में बिन्स होते हैं कि हमारे 7 बिन भरे हुए हैं इसका मतलब मटेरियल अभी काफ़ी है, 3 हो गए इसका मतलब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, अगर हमारा एक ही रह गया इसका मतलब ये काफ़ी क्रिटिकल है और इमिडिएटली हमें वो चीज़ मंगानी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें कार्ड्स के थ्रू कानबान में पता लग जाता है कि हमारा क्या स्टेटस चल रहा है प्रोडक्ट का। इसी तरह से प्रोडक्शन में भी हम कानबान कार्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें कार्ड के थ्रू ही पता लग जाता है प्रोडक्शन में कि कौन से प्रोसेस में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट कानबान एक ऑटोमेटेड गुड्स की इंडिकेशन का ही सिस्टम होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो कितना है, कहाँ पे है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हमें पता लगता है कार्ड के थ्रू, या फिर ई कानबान हो सकता है जिसमें हम बार कोड यूज़ करते हैं और उसे स्कैन करके सभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से कानबान को हम यूज़ करते हैं एज अ लीन टूल। तो उसके बाद बात करते हैं होसिन काउंट्री के बारे में। तो होसिन काउंट्री क्या होता है, एक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉप मैनेजमेंट होती है वो एक स्ट्रेटजी बनाती है और वो उसे मिडल मैनेजमेंट में बांट देती है, और जो शॉप फ्लोर में लोअर लेवल पे मैनेजमेंट होती है उनमें डिवाइड कर देती है कि आपका ये सब काम है, आपको ये गोल्स अचीव करने हैं, इसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजी बनाई है, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है, जिसमें मिडल मैनेजमेंट होती है वो अपनी नीति बनाती है कि कैसे कैसे हम उन टारगेट्स को अचीव करेंगे। जो होसिन कानरी होता है ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, होसिन और कानरी, जिसमें होसिन का मतलब होता है डायरेक्शन और कानरी का मतलब होता है मैनेजमेंट और कंट्रोल। तो इसी तरह से हमें इसमें जो भी डायरेक्शन मिलती है हमें हमारे कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को हमें मैनेज करना होता है और कंट्रोल करना होता है। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें काफ़ी एडवांटेज हमें मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है, जो हमें कम्युनिकेशन वीक होने के कारण हम काफ़ी नुकसान कर लेते हैं कंपनी का, कि किसी को ठीक से पता ही नहीं होता कि किस तरीके से काम करना है, किस चीज़ पे अटैक करना है हमें पहले। तो पॉलिसी डिप्लॉयमेंट जब हम करते हैं तो उसमें सबको पता लग जाती है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कैसे कैसे हमें काम को करना है। तो जो कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से जो हमें वेस्ट एक हमारा जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा ड्रॉबैक बन जाता है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के थ्रू। तो होसिन कानरी जो होता है हमारा, उसमें सबसे पहले गोल्स बनाते हैं हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद जो वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कंपनी के, और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बाद टैक्टिक्स, मतलब कि जो डिटेल्ड स्टेप्स हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, कि जैसे हम उसे एक्शन में लेके आने वाले हैं कि कैसे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिडोका के बारे में। तो जिडोका क्या होता है,
जीडो का एक पार्शियली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक सिस्टम है जिसमें हम पार्शियली ऑटोमेटेड बना देते हैं अपने प्रोसेस को, मतलब कि हम फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं बनाते हैं। अगर हम फुल्ली ऑटोमेटेड बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए और वो हर फर्म बना भी नहीं सकती क्योंकि कैपिटल कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पार्शियली ऑटोमेटेड बना देते हैं अपने सिस्टम को। जैसा कि यहाँ पे एक लाइन है वहाँ पे जो विदाउट जीडो का आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत पार्ट भी फ्लो कर रहा है, हमें कोई भी अलार्म नहीं मिल रहा है अगर गलत पार्ट कन्वेयर पे आ रहा है। तो विद जीडो का हमने क्या कर दिया, उसमें कोई सेंसर लगा दिया वहाँ पर जो कि गलत पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा और हमें इंडिकेट कर देगा। तो इस तरह से हम जीडो का में जो होता है हमारा पार्शियल ऑटोमेशन को हम यूज़ करते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, जब हम जीडोका का यूज़ करते हैं तो जो वर्कर होता है वो फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर सकता है मल्टीपल स्टेशंस को, क्योंकि वो ऑटोमेटेड हो चुके हैं, कुछ काम जो है उसमें वो अपने आप हो रहे हैं। उससे क्या होता है, लेबर कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाती है, एक आदमी मल्टीपल ऑपरेशंस को देख सकता है और जो हमारे प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी हो जाती है और हमारी उससे क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है प्रोडक्ट की। तो जीडोका की हेल्प से हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन कर रहे हैं प्रोसेस का। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैनुअल फीड कर रहा है यहाँ पे और मशीन की जो साइकिल है उसे भी वॉच कर रहा है। और उसके बाद हमने थोड़ा ऑटोमेटेड कर दिया इसे पार्शियली, उसमें क्या किया हमने, कन्वेयर जो थी हमारी वो कन्वेयर को हमने ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेटिक फीड हो गई वहाँ पे। उसके बाद वो सिर्फ मशीन की साइकिल को देख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा और ऑटोमेशन हमने किया, उसके बाद उसमें आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक फीड भी हो रही है, ऑटोमेटिक इजेक्शन भी हो रही है और एंड ऑन लाइट जो लगा दिया उसमें वहाँ पर वो डिटेक्ट कर रही है कि अगर हमारा कोई गलत पार्ट है तो वो हमें इंडिकेट कर देगी। तो इस तरह से ये सेल्फ मॉनिटरिंग मशीन हो गई। तो स्टेप बाय स्टेप हम जीडोका में थोड़े थोड़े पार्शियल ऑटोमेशन करते हैं और धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिक्स बिग लॉसेस के बारे में। तो सिक्स बिग लॉसेस क्या होती हैं, ये हमारी एक सिक्स कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्टिविटी लॉस की, मतलब कि जो हमारे सबसे बड़े सिक्स लॉसेस होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो वो हमारे सिक्स बिग लॉसेस कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम मॉनिटर करते हैं। सबसे पहला इसमें हो गया ब्रेकडाउन्स, क्योंकि अगर कोई ब्रेकडाउन होती है तो डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ब्रेकडाउन क्यों हो रही है, अगर वो आगे ना हो रिपीट इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो हम ब्रेकडाउन्स में इसमें कम करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे टॉप ब्रेकडाउन्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन पर एक्शन लेते हैं, हम उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया सेटअप एंड एडजस्टमेंट, जो हमारा सेटअप का टाइम होता है जब हम डाई वगैरह चेंज करते हैं, टूल चेंज करते हैं, एडजस्टमेंट में जो हमारा टाइम लगता है उसे हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे लिए। उसके बाद स्मॉल स्टॉप्स हो गए हमारे, किसी चीज़ के लिए मतलब हमें रुकना पड़ रहा है, उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे स्मॉल स्टॉप्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। उसके बाद आता है रिड्यूस स्पीड, मतलब कि जो हमारी प्रोडक्शन लाइन की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो हमारा स्पीड लॉस उसमें हो रहा है, जो वर्कर है वो कंटिन्यूसली पार्ट नहीं निकाल पा रहा है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या दिक्कत है, क्यों मतलब उसे फटीग फील हो रहा है, वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में हम काम करते हैं स्पीड लॉस ना हो। उसके बाद आ गया स्टार्टअप रिजेक्शन, जो हम स्टार्टअप करते हैं, सेटअप अप्रूव करते हैं, उसमें जो हमारी रिजेक्शंस हो जाती हैं उन्हें हम कम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला पीस भी रिजेक्ट ना हो, वो भी हम ओके कर दें। इस तरह से हम अपने प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है प्रोडक्शन रिजेक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन में रिजेक्शंस हो रही हैं फ्रीक्वेंटली, वो कौन कौन सी रिजेक्शंस हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग हम पैरेटो एनालिसिस भी इसमें करते हैं कि टॉप हमारे 20% कौन से डिफेक्ट है, उन पर हम काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारी समस्या है, जो प्रोडक्शन रिजेक्शन हो रही है वो ना हो, जो हमारा एक बिग लॉस बन जाता है हमारे लिए, उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इक्विपमेंट है जो भी हमारा, जिसके लिए हमारा टोटल अवेलेबल टाइम है, उसमें कुछ हमारा अवेलेबल टाइम होता है, अगर उसमें से हम कुछ प्लांड डाउन टाइम निकाल लें तो हमारा अवेलेबल टाइम कम हो जाता है। प्लांड डाउन टाइम मतलब कि जो हमारा टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम होता है हमारा, उसमें भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन्स हो गए या फिर सेटअप एडजस्टमेंट्स हो गए,
उसके बाद अगर ये भी कट डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हमारा एक्चुअल उसमें भी हमारी आइडलिंग या फिर माइनर स्टॉपेज आ जाती है कि मशीन खड़ी रही है या फिर हम कुछ देर बंद हो गई, वो क्यों हो गई, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद इफ़ेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम जो निकल के आता है जिसमें हमने काम किया है और जो लॉसेज उसमें निकले, डिफेक्ट इन प्रोसेस एंड रीवर्क जो हमने करना है, मतलब कि कुछ पार्ट रिजेक्ट हो गए उन पर हमने रिवर्क करा, या फिर स्टार्टअप में जो हमारे पीस रिजेक्ट हो गए वो क्यों हो गए। इस तरह से हमारा जो टोटल अवेलेबल टाइम होता है वो एक इफ़ेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम मिलता है, सिर्फ हमें एक छोटा सा, और सब सारा टाइम हमारा लॉसेज में निकल जाता है। तो जो हमारे 6 बिग लॉसेज होते हैं इन्हें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम एक और कदम को बढ़ाते हैं, इस तरह से हम 6 बिग लॉसेज को एज अ लीन टूल यूज़ करते हैं। तो इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या एडवांटेज हमें मिलती है, ये एक फ्रेमवर्क हमें देता है कि किस पॉइंट पे हमें अटैक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से वेस्टेज हमारे ज़्यादा हैं, किस पे हमें काम करना है। तो जैसा कि हमने कुछ लीन टूल्स के बारे में बात करी इस वीडियो में, और आगे आने वाली वीडियोस में कुछ लीन टूल्स के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम लीन टूल्स की बात करें तो लिस्ट उनकी काफ़ी लंबी है, 25-30 हमारे लीन टूल्स हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट हमारे और टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, ये सब था लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के बारे में जो कि हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।